अल्मोड़ा के विश्वनाथ घाट में बना वन विभाग का ताल प्रशासन की अनदेखी के चलते पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ताल के क्षतिग्रस्त हो जाने से लोगों को शवदाह करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ताल के क्षतिग्रस्त होने से वन विभाग के द्वारा शवदाह के लिए उपलब्ध करवाए जाने वाली लकड़ियों को खुले में रखा जा रहा है, जिस कारण वर्षा के दौरान लकड़ियां पूरी तरह से भीग जाने से लोगों को शवदाह कराने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और लोगों को शवदाह करने में पेट्रोल डीजल का सहारा लेना पड़ता है। वहीं शवदाह को लेकर वन विभाग के द्वारा मिलने वाली लकड़ियों की भी भारी कमी बनी रहती है। अल्मोड़ा नगर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विश्वनाथ घाट में शवदाह के लिए लगभग प्रतिदिन शव पहुंचते हैं, लेकिन खुले में रखी गई लकड़ियों से शवदाह में घंटों लगने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वन विभाग द्वारा बारिश के दौरान लकड़ियों को रखने की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिस कारण बारिश के दौरान शवदाह करने में लोगों को पेट्रोल डीजल का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रसाद आदि में पानी आनी टपकता है, ऊपर से लकड़ियां सारी एक तो सूखी हुई लकड़ियां हैं और ऊपर से पानी पड़ गए, वो गीली हो गए, फिर वो सड़ गल रही हैं, बिल्कुल टूट चुका है और उसकी छत नीचे आ चुकी है। वहाँ पर जो मुहगिल कार्य करता है उसके लिए भी व्यवस्था कुछ नहीं है, लकड़ी फूके गीली हो चुकी है वहाँ पे। अरे जो हमारा विश्वनाथ शमशान घाट का जहाँ सौदा होता है वहाँ जो टीन सेट वन विभाग का बना है वो काफ़ी समय से टूटा पड़ा है, जिससे वहाँ लकड़ियाँ सारी गीली हो जाती हैं और वहाँ सौदा करने में वो जल नहीं पाती, जिससे काफ़ी परेशानी होती है। इस मामले में जिलाधिकारी नितिन भदौरिया का कहना है कि ये बहुत जरूरी मामला है, इसमें जल्द ही एसडीएम और वन विभाग की एक ज्वाइंट रिपोर्ट मंगाकर इसके पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे और आम लोगों को परेशानी से जल्द निजात मिल पाएगी। इसमें हम लोग एसडीएम और फॉरेस्ट की ज्वाइंट रिपोर्ट मंगवा लेते हैं और जो भी जहाँ से भी संसाधन इसको हमको पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार के लिए हम लोग को चाहिए तो उसको हम तत्काल इसको प्रोवाइड कराते हैं और ये बहुत जरूरी भी है। संवाद 365 के लिए अल्मोड़ा से अमित उप्रेती की रिपोर्ट।